बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव इन एन एग्जांपल ऑफ ए नल सेट। इस्तेमाल करें सेट बिल्डर फॉर्म और एक एग्जाम्पल दें नल सेट का। सेट बिल्डर फॉर्म इस्तेमाल करके हमें एग्जाम्पल देना है नल सेट का। तो आप जो है कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बुक वाले आंसर से मैच करता हो, आप खुद ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल तो लिखता हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि एन एन एलिमेंट एन एलिमेंट विच इज होल नंबर एन एलिमेंट विच इज होल नंबर एंड लेस देन जीरो। तो व्यूज़ देखें, एन एलिमेंट एक ऐसा मेंबर होना चाहिए, एक ऐसा मेंबर जिस जो जो के होल नंबर से ताल्लुक़ रखता हो और वो ज़ीरो से कम हो। तो आपको पता है होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो सेट हमने ये जो कलेक्शन लिखा है ये क्या होगा, ये नल सेट होगा। तो हमें क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस सेट को नाम देते हैं ए। तो यहाँ पे भी सेट को नाम देंगे ए। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के लिए क्या लेते हैं, कोई भी लेटर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स लेंगे और ये सच दैट की साइन एक्स, सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू किससे ताल्लुक है, एक्स का होल नंबर से। तो यहाँ पे होल नंबर लिखेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे एंड एक्स जो है वो लेस देन है ज़ीरो से। तो ये खाली सेट होगा बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर्स के ऐसे एलिमेंट नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जो के ज़ीरो से कम हो। तो हम इसे खाली सेट मानेंगे। तो यही इसका आंसर है व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल।